सुनो गौर से, अगर कभी ऐसा लगे आपको कि यार मेरी गाड़ी में एक ब्लूटूथ म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए था लेकिन है नहीं, या किसी और चीज़ में, मतलब घर में कोई होम थिएटर है पुराना, रेडियो, उसमें ब्लूटूथ होता तो मज़ा आ जाता। और मैं बताऊं कि आप ब्लूटूथ सिर्फ 500 रुपये में लगा सकते हैं तो कैसा हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और ये है ब्लूटूथ अडैप्टर रिसीवर 3.5 mm ऑक्स, मतलब जो भी कहो इसको। दरअसल ये क्या है कि आपकी ऑक्सिलरी केबल जो है उसमें आप जब इसको कनेक्ट करोगे तो ये एक ब्लूटूथ रिसीवर हो जाएगा और आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करके म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। इसके थ्रू फ़ोन कॉल जो है वो आंसर कर सकते हो, मतलब सब कुछ कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में ब्लूटूथ नहीं है तो ये आपकी गाड़ी को ब्लूटूथ वाला बना देता है। ना सिर्फ गाड़ी को, आप इसको जो है ये होम थिएटर वगैरह होते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी में ब्लूटूथ नहीं है लेकिन ऑक्सिलरी इनपुट है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके साथ ही में एक और बेनिफिट इसका जो है वो ये है, मतलब ये जो सेम प्रोडक्ट है ये 200 300 300 रुपये के लगभग आता है अमेज़ोन पे, लेकिन वो 3.1 वाला आता है, ब्लूटूथ 3.1 वाला। ये ब्लूटूथ 4.1 वाला है। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो एक साथ दो डिवाइस कनेक्ट कर लेता है ये, प्लस जो बेस वगैरह आता है अब म्यूज़िक की जो क्वालिटी है वो अच्छी स्ट्रीम करता है ये, और रियल टाइम, मतलब हाथों हाथ करता है, डीले कम होता है म्यूज़िक। लद्दाख ट्रिप जो है वो एक लाइफ चेंजिंग थिंग कह सकता हूँ शायद मैं, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई है उसकी वजह से, चाहे वो रिलेशंस रहे हों, चाहे वो मतलब चीज़ों की समझ आई हो मुझे वहाँ पे। मैंने अपना लैपटॉप ख़राब किया, वीडियोस की कंटिन्यूटी बिगड़ी वहाँ पे। लेकिन जब मैं लद्दाख से लौटा ना, उन 12 13 14 में वो नेटवर्क है या नेटवर्क नहीं है, रोज़ मतलब रोज़ मैं कभी ट्रैवल कर रहा था, कभी फ्लाइट्स मिस हो रही थी, कभी मैं रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, अच्छा हूँ, बीमार हूँ, इवन अपनी शादी के दिन भी वीडियो आया था, रोज़ मतलब रोज़। ये टारगेट नहीं था मेरा कि 365 वीडियोस डिलीवर करनी है। जो वो अमेज़ॉन में 300 रुपये वाला जो पहले मैं यूज़ करता था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती थी कि वो जो है थोड़ा सा डिले रहता था म्यूज़िक में, और उसमें जो है एक बार में एक ही फ़ोन कनेक्ट होता था। मेन दिक्कत ये थी कि फ़ोन को मैं कभी जेब वगैरह में रख के फिर स्टार्ट करता था तो हल्का हल्का मतलब कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता रहता था उसका। इसके साथ ये इशूज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सस्ते में चाहिए तो आप, मैं काम करूँगा, दोनों के लिंक जो है नीचे छोड़ दूँगा, ये वाला जो मेरे हाथ में है ये और जो अमेज़ॉन वाला जो पहले यूज़ करता था, दोनों के लिंक दे दूंगा मैं। मेरा रिकमेंडेशन तो है कि यही है, यही बाय कीजिए आप। लगभग 600 रुपये का पड़ेगा शायद ये आपको, और जो है मतलब दो डिवाइसेस कनेक्ट कर लेगा साथ में, इसमें अंदर एक बैटरी भी लगती है। तो मैनुअल में तो लिखा है 14 घंटे चलता है, मैंने तो इतना टेस्ट किया नहीं क्योंकि कार में लगा रहता था तो हाथ वो USB से कनेक्ट रहता था, पता ही नहीं चलता था। बाकी 14 घंटे लिखा है तो चल जाएगा, 7 8 10 घंटे तो चलना ही चाहिए। तो बाकी मुझे नहीं लगता बैटरी का कोई काम है, मतलब क्यों, आप तो गाड़ी में लगाओगे तो यूजुअली इसके साथ ही लगाओगे, पर हाँ हो सकता है कोई होम थिएटर वगैरह किसी में लगाओ, आप तो चार्ज करके 14 घंटे चला लिया या उस हिसाब से चला लिया, तो वो एक बेटर चीज़ है। कोई और स्पीकर वगैरह आपके पास, उसको ब्लूटूथ स्पीकर बनाना है तो एक अच्छी चीज़ है, उस वक्त आप इसको यूज़ में ले सकते हो। बाकी तो बस इतना ही है फ़िलहाल इसके बारे में। अगर आपको और भी कोई सवाल है तो नीचे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और भी जो भी होंगे, मैं इसके बारे में कुछ भी इनपुट्स होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर करता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।